आ जाओ। बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है, किट्टू स्कूल चला गया है, पूरा घर फैला हुआ है। सुबह फटाफट काम किया था मैंने, उठ तो गए थे जल्दी बट लेट हो गया, बैठे रह गए थे। स्कूल से आके आ गए थे, हस्बैंड फिर स्कूल गए हैं, वो बेल्ट लेना था और नोटबुक वगैरह इशू करवाना था, वही करवाने गए हुए हैं। अब मैं जा रही हूँ, मैंने आज ब्रश भी नहीं किया है, बस लिपस्टिक लगा के स्कूल चली गई थी। लंच पैक करना है तो मैं अब जा रही हूँ हस्बैंड का लंच पैक करने। सो यहाँ पे मैंने रोटी रख दिया है, फिर मैंने एक गुजिया और एक ड्राई फ्रूट लड्डू रखा है, उसके बाद मैं रोटी पैक करूँगी। सो बेटे को भेजने के बाद हस्बैंड को भेजने की तैयारी है, हस्बैंड भी लंच लेके जाते हैं, तो सुबह का टाइम काफ़ी बिजी हो जाता है तो फटाफट से करना होता है। सुबह 6 बजे उठी थी, अभी 8 बज गए हैं, हस्बैंड दोबारा ऑफिस स्कूल गए हैं सॉरी। सो या इनका भी लंच पैक हो ही गया है। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ नहाकर, अब मैं जा रही हूँ, मैंने बेटी को फीड करने के लिए दिया हुआ है दूध और अब मैं जा रही हूँ, भूख लगी है मुझे, मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। अभी बजे हैं 9, तो चला गया है तो घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। वो उसकी हेल्थ इश्यू थी इसलिए वो UKG में स्कूल नहीं जा पाया था, फिर मैं मायके चली गई थी, तो आज से उसने प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट की है, तो घर बहुत खाली लग रहा है। बच्चे घर में रहते हैं तो भी लगता है कितना हल्ला करते हैं, कितना बदमाशी करते हैं, और चले जाते हैं तो भी लगता है कितना सन्नाटा है घर पे। सो या स्कूलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अब दोनों जाएंगे तब पता चलेगा तुमको। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, सन्नाटा रहेगा। अभी ऑफिस चले गए हैं, अभी 9:30 8:30 बजे ऑफिस चले जाते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, किट्टू तो जल्दी उठ गया था फिर भी थोड़ा लेट हो गया, बहुत जल्दी जल्दी हो गया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाई सुबह, प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाई। ये ना बहुत बुरी हैबिट है, मैं ब्रश करती हूँ और मुझे भूख लग जाती है, ब्रश करते साथ मुझे मतलब खाने के लिए चाहिए। अगर मैं ब्रश नहीं करूँगी, 12 बजे भी ब्रश करूँगी तो मुझे भूख नहीं लगेगी, अगर मैं 6:00 पर ब्रश करी तो मैं 6:00 पर भूख लग जाएगी। तो मैं चाह रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, आज तो रोटी सब्जी बनी है जस्ट बिकॉज बच्चों को लंच में हेल्दी फूड देना रहता है, तो रोटी सब्जी बनाई थी और हस्बैंड को भी लंच में रोटी सब्जी देना था, तो काट की सब्जी बनाई है और रोटी, और मुझे गट्टे काफ़ी पसंद है तो मैंने थोड़ी सी अपने लिए रात के लिए रख लिए थे। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करूँगी, गट्टे की सब्जी रोटी, चाय बनी हुई है बट अब थोड़ा मैं खा लूँ, ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। आ गया है, मैं उससे पूछ रही हूँ तुमने लंच बॉक्स किया है या नहीं, वो मुझे ओपन करके दिखा रहा है। शो मी, ओके एवरीथिंग फिनिश, वो मुझे एवरीथिंग दिखा रहा है कि उसका सामान बचा है या नहीं। मम्मा छोड़, आप छोड़ कर आई और फिर प्लेयर में गया और फिर क्लासरूम में मैं थोड़ी इलियस का हुआ। अच्छा, और किसके बगल में बैठे थे? मैं तो बैठा था आरवी के बगल में। आरवी के बगल में बैठे थे। किट्टू आ गया है, इसका पेपर बोट वगैरह हो गया है, लंच इन लोग का शायद 10:30-11 बजे होता है, तो उसे भूख नहीं लग गया अभी, वो आते साथ खेलना। लिपस्टिक लगा के गई थी स्कूल, अभी तक लिपस्टिक मेरी लगी हुई है, मेरी लिपस्टिक जल्दी छूटती नहीं है, ये तो है। सो यहाँ पे किट्टू खेल लिया है, एंजॉय कर लिया है, अब उसे मोबाइल या लैपटॉप या टीवी चाहिए, तो मैं उसे मोबाइल देने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि डस्क नहीं आ रहा है, तो बस देखेगा मोबाइल, खाएगा, उसके बाद सो जाएगा। 1:30 बज गए हैं, 2:45 बजने वाले हैं, सोया 3 बजे से मेरी एलवी भी है, स्टार्ट करना है आज।
सो देखते रहिए मेरे ब्लॉग को और इन्जॉय करिएगा। पर बाहर आ जाती है, बाहर एक बड़ी सी टंकी बनी हुई है, वहीं पे ये बार बार आती है और पानी निकालती है। बेबी नो, अभी काफ़ी कुछ अरेंज हो गया है, पीछे दिख रहा है हॉल काफ़ी अच्छा सजा हुआ है, पहले तो एकदम बिगड़ गया था। देखिए हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब, सब ऑलमोस्ट सेट है। गाइस सो दोपहर के 4 बज गए हैं, मैंने 3 बजे एलवी स्टार्ट किया था, दोपहर में मैंने बंद कर दिया एलवी क्योंकि कोई ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने सोचा कोई ज्वाइन नहीं किया है, 35 मिनट ऑन थी तो मैंने एलवी बंद कर दिया। सो गाइस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। सो गाइस मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।